हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। अगर दोस्तों आप हैप्पी ऐप पर वीडियोस बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। उसमें आपका वीडियो वायरल करने के लिए, आपके फॉलोअर्स गेन करने के लिए, आप कितने फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा व्यूज़ अपने वीडियो पर ला सकते हैं, तो इसी के ऊपर मैं आज कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। और वो आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे भी अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे भी वर्क करेंगी जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। अगर आप कोई अगर और शॉर्ट वीडियो ऐप्स है, जैसे मोज है, टकाटक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो वहाँ पर भी वो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी ये वर्क करेगी। ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये मैंने स्पेशल हैप्पी वी ऐप के लिए बनाया था वीडियो, तो बाकी ये सभी पे अप्लाई होता है, तो आप कहीं पर भी इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। आपको पहले आपको ऐसे बता देता हूँ, फिर बाद में आपको मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर प्रॉपर करके भी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स आपको करने हैं। उसके थ्रू आप बिल्कुल ए टू जेड सीख जाएंगे कि आपको वीडियो किस तरीके से पोस्ट करना है, किस तरीके से वायरल करना है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ आपको कि आपको क्या क्या करना है। एक तो स्टार्टिंग में आपके वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी बनानी है आपको। उसके बाद आपको टाइमिंग सेट करनी है कि आपकी ऑडियंस किस टाइम एक्टिव रहती है। जैसे मोज, एमएक्स, टकाटक वगैरह आप यूज़ करते हो तो उसके ऊपर आपको ऑडियंस का पता लग जाता है, उसमें ऑडियंस पोल है, उसके अंदर पता लग जाता है कि आपकी ऑडियंस किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। जैसे शाम को 4 से 5 बजे के आसपास बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया पर, शॉर्ट वीडियो पर, और रात को 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसी टाइम के बीच में आपको सुबह 9 से 11 के बीच, शाम को 4 से 5 के बीच और रात को 9 से 11 के बीच, इसी टाइम के अंदर आपको वीडियो पोस्ट करने हैं तो आपके वीडियो पे व्यूज ज़्यादा आएंगे। और मेन ज़रूरी टॉपिक है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। आप अगर किसी भी शॉर्ट वीडियो ऐप पर हैप्पी हो या कोई और भी हो, मौज हो, टकाटक हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, वहीं पे आप रील शॉर्ट बनाते हैं तो उसके लिए भी आपको ये ज़रूरी है। तो दोस्तों आप क्या करते हैं, कई लोग हैं हैशटैग नहीं डालते हैं, कई लोग हैं बहुत सारे हैशटैग डाल देते हैं, तो इसी वजह से आपका वीडियो वायरल नहीं होता। आपको सबसे पहले एक टाइटल चूज करना है आपकी वीडियो का, जब भी आप वीडियो पोस्ट करें। उसके बाद आपको एक हैशटैग यूज करना है, वो भी ज़्यादा हाई वाला नहीं होना चाहिए, जिसका हाई कंपटीशन हो, वो वाला हैशटैग आपको यूज़ नहीं करना है। जैसे अभी शॉर्ट मीडिया ऐप्स हैं, इनके बारे में बात कर लेता हूँ, जैसे हिप्पी है, मोज है, टकाटक है, इसके बारे में। तो जैसे हिप्पी ऐप है, इसके ऊपर हैशटैग्स चल रहे हैं, ऐसे ही सभी ऐप्स जो शॉर्ट वीडियो की हैं उन पर हैशटैग चलते हैं। तो उस पर जो भी ट्रेंडिंग में नया हैशटैग आता है, जिसके ऊपर वीडियोज़ कम बने हैं, व्यूज़ कम आते हैं, तो वो हैशटैग आपको यूज़ करना है। और एक हैशटैग के ऊपर आपको कम से कम 15 वीडियो अपलोड करनी है, वो हैशटैग नया आए और उसके ऊपर आपको स्टार्ट कर देनी है 2 या 3 वीडियो, जितना भी आप ज़्यादा डाल सको तो ज़्यादा, नहीं तो 2 या 3 वीडियो डेली के हिसाब से आपको डालनी है। और एक ही हैशटैग के ऊपर डालनी है, उसके ऊपर सिर्फ टाइटल लिखना है वीडियो का और वो हैशटैग लगाना है और कुछ भी नहीं करना। या फिर आप किसी को मेंशन करना चाहो तो अपने आप को मेंशन कर दो, या फिर जो आप ऐप यूज़ कर रहे हो, जैसे हैप्पी ऐप यूज़ कर रहे हो तो @happy मेंशन कर दो, मौज कर रहे हो तो मौज कर दो, और कोई अदर ऐप कर रहे हो तो उसका मेंशन कर दो खुद का। तो आपको एक तो ये वाला काम करना है, एक आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है, और अभी आपको कंटेंट बिल्कुल, कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम। तो यही मेन मेन टॉपिक हैं, इस पर आपको वीडियो वायरल होते हैं। मैंने अभी ये प्रूफ के साथ दिखाऊंगा आपको स्क्रीन के ऊपर, मेरे हैप्पी ऐप के ऊपर 332 ही फॉलोअर्स हैं टोटल, और फिर भी मेरे वीडियो 50 के, 60 के, 40 के, 32 के, 30 के ऐसे व्यूज़ आए हैं मेरे वीडियो पे। तो मैंने कुछ ट्रिक अप्लाई करता रहता हूँ, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और अदर वीडियोज़ ऐप हैं, उनके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता रहता हूँ कि कौन सा तरीका क्या अप्लाई होता है, किससे क्या फ़ायदा होता है। जिससे कुछ अच्छा फ़ायदा होता है वही तरीका मैं आपके लिए लेके आता हूँ, वही मैं आपको बताता हूँ। तो अभी वीडियो को ले चलते हैं स्क्रीन के ऊपर मोबाइल की, और वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाता हूँ कैसे आपको वीडियो अपलोड करना है, कैसे आपको हैशटैग लगाना है, कैसे टाइटल लगाना है, ये वाले पूरी डिटेल के साथ समझाता हूँ। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक कर दे। आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता हूँ।
तो दोस्तों एक वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट्स जरूर करें। आपको जो भी दिक्कत आ रही है, आपके फॉलोअर नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज़ नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नाउ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। अभी मैं आपको ले चलता हूँ, ये देखिए मोज है, एमएक्स टकाटक है, एमएक्स टकाटक मोज लाइट प्लस हो गया है, और हिप्पी है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जिस भी ऐप पे आप ट्राई करना चाहें उसी पे ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं आपको हिप्पी के अंदर दिखा देता हूँ। आपको हिप्पी ऐप के अंदर आ गए और यहाँ पे जो नीचे सर्च के ऑप्शन है डिस्कवर वाला, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो ये हैशटैग चल रहे हैं, ये कॉन्टेक्स्ट चल रहे हैं, हैशटैग चल रहे हैं, इसमें जो ट्रेंडिंग है इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है सभी के नीचे, इसमें कॉन्टेस्ट है, इसमें चैलेंजेज है, और इसके नीचे देखिए ट्रेंडिंग लिखा होगा ना, उसी पे आपको यूज़ करनी है ये ट्रिक। ये देखिए ट्रेंडिंग, ये बॉलीवुड मसाला ये हैशटैग है, ये ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। इसके ऊपर ये रेन वाला ये भी वो कॉन्टेक्स्ट है, ये देखिए हिप्पी नाइट आउट ये वाला भी हैशटैग है और ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आपको कैसे यूज करना है, इस हैशटैग के ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट वीडियो पे क्लिक करना ऐसे करके, और आपको यहाँ पे नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट करते जाना है। यहाँ से आप अपना वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताते हैं आगे कैसे काम क्या करना है आपको। ये जो हैशटैग है वो आ गया, इसके आगे आपको एट द रेट लगा के ये जो हिप्पी ऐप है इसको मेंशन कर देना है। अगर मोज है तो मोज को मेंशन कर देना है, इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम को मेंशन कर देना है, और अपने आप को भी मेंशन कर देना है। कई ऐपों में अपने आप को मेंशन कर सकते हो, कई में आप नहीं कर पाओगे, तो जिसमें नहीं होता है उसमें रहने देना, जिसमें होता है उसमें कर देना। इसमें आपको मैं बता देता हूँ, ये हिप्पी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि एक बार जैसे ही आप ऑन करते हो, वीडियो अपलोड करते हो, तो वो बैक चला जाता है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ये बैक चला जाता है, तो इसको आपको यहाँ से कट करके दोबारा से अपलोड करना होगा, तभी आएगा ये। ये देखिए यहाँ से दोबारा से ऐड करना होगा, ऐड करते ही आ जाएगा। ये दिक्कत सभी के सामने आती है हिप्पी ऐप के ऊपर, ये वाला एक बग है हिप्पी के अंदर, ये जल्दी कोई अपडेट आएगा तो उसके अंदर सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर आपको आप एट द रेट जो फ्रेंड मेंशन वाला है इस पर क्लिक करना है और हिप्पी को ऐड कर देना है इसके अंदर। अगर मोज ऐप है तो मोज को ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको हिप्पी ऐप, ये देखिए ये हिप्पी का खुद का ऐप आ गया, हिप्पी ऐप, इसको आपको मेंशन कर देना है। ये एक बार गलती से लग गया, इसको कट कर देते हैं, ये वाला ऐसे आपको करना है, और उसके बाद आपको सेव अगर करना चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं या ऑफ करके आपको पोस्ट कर देना है वीडियो को। तो सभी जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपको इसी तरीके से काम करना है। मैंने ये वीडियो पहले अपलोड कर रखा है तो मैं दोबारा से नहीं करूँगा, बैक आ जाता हूँ। ऐसे ही आपको अभी मैं मोज के अंदर और दिखा देता हूँ। ये मोज ऐप के अंदर आ गए हम, यहाँ पे सर्च पे गए, ये देखिए नीचे ट्रेंडिंग हैशटैग और चैलेंजेस चल रहे हैं, तो इस पे 10 मिलियन वाला है, तो हमें ये चूज़ करना है जिस पे कम वीडियोस बने हों, कम जिसकी हाई कंपटीशन ना हो, उसके ऊपर आपको क्रिएट करना है, फिर आपको वीडियो अपलोड कर लेना है यहाँ से गैलरी से। तो ऐसे करके आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कुछ एक दिक्कत और है, मैं बताना भूल गया आपको, सॉरी उसके लिए। तो आपको जो भी हैशटैग लगाओ ना, उसके आगे आपका अपने आप को हैशटैग लगाना ज़रूरी है। जैसे अब मेरे अकाउंट का नाम है एक्सपर, तो मैं ऐसे ही अपने अकाउंट का हैशटैग भी डाल दूंगा इसके साथ। उससे क्या होगा कि आपको अकाउंट का जो भी नाम कोई सर्च करेगा तो आपके वीडियोज़ उसके सामने आ जाएंगे। जैसे अभी आपको ये अपलोड करना है, नेक्स्ट किया, ये आ गया, इसके सामने आपको ऐसे मेंशन करना है हैशटैग अपना जो खुद का अकाउंट का नाम है जो भी आपका, जैसे मेरा एक्सपर नाम से तो मैंने एक्सपर कर गया। उसके बाद आपको एट द रेट एक्सपर, ये अपने आप को मेंशन करना है, ऐसे अपने आप को मेंशन करना है, अपने आप का हैशटैग लगाना है खुद का, जो भी अकाउंट है उस अकाउंट का, और जो पहले हैशटैग एक हैशटैग आपको चूज़ करना है। इस तरीके से आपको वीडियो अपलोड करना है।
तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड डे फ्रेंड्स, बाय।